नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल शुगर मिल से शेखपुरा पावर हाउस तक 132 केवी लाइन के रूट बदलवाने के बारे में चल रहे कार्य को रोक जाने के रोष स्वरूप बड़ी संख्या में ग्रामीण लघु सचिवालय पहुंचे और प्रशासन से मांग करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि गांव शेखपुरा जागीर के रहने वाले छोटे छोटे किसानों के खेतों से 132 केवी लाइन निकलवाने के लिए कुछ रसूखदार लोगों द्वारा चल रहा कार्य रुकवाया गया है और रसूखदार लोगों द्वारा अपने खेतों से निकलने वाली लाइन को अपने रसूख से गरीब किसानों के खेतों से निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इसका एस्टीमेट भी पहले ही बन चुका है और इस एस्टीमेट को प्रभावशाली लोगों द्वारा बनवाने के लिए कार्य रुकवाया गया है। इस मौके पर किसानों ने कहा कि वह अपने खेतों से 132 केवी की लाइन नहीं निकलने देंगे और ना ही एस्टीमेट को बदलने देंगे। इसके लिए किसान संघर्षरत हैं। इस मौके पर ग्रामीणों के साथ भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग मौजूद रहे। देखिए ग्रामीणों ने क्या कहा। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान, इस समय मौजूद हूं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है जेपी शेखपुरा, जो यहां पर विशेष तौर पर डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए। आखिर क्या मामला है और क्यों वो डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं और क्या उनकी मांग है, क्या मुख्य मांगे हैं? जेपी जी, क्या मुख्य मांग है आपकी? क्या हमारी मांग सीधी, हम यहाँ इस मंदिर में जब भी आते हैं ना, कोई सामूहिक कई गांवों का भला होता है उसके लिए आते हैं। आज इस मंदिर में अधिकारियों को जगाने के लिए आए हैं, ये कहने के लिए आए हैं जो ये मिल था ये छोटा था, अब ये बड़ा बन गया है। ये प्रोजेक्ट ये बिजली पैदा करेगा, आसपास के गांवों को बिजली देगा। जनवरी में खंभे लगने शुरू हो गए। ये किसान मेरे साथ है जिन्होंने अपने खेतों में अच्छी तरह से मुआवजा भी नहीं मिलता, खंभे लगवा दिए। आगे नेताजी की जमीन आ गई, पूंजीपति की जमीन आ गई, राम कुमार कल्याण है, 70-80 किलो का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस आ गया। उसके आने के बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसकी जान पहचान थी डीसीएसपीओ के साथ। किस तरह का काम शुरू किया उसने वहां पर? आगे पोल नहीं लगने दे रहा, जो एस्टीमेट बन चुका है, जिसपे एक्शन की मोहर लग चुकी है, जिसपे एससी की मोहर लग चुकी है। आप ये सोशल मीडिया के द्वारा जो मेरा बयान ले रहे हो ना, पिछले का नहीं, डीसी ऑफिस के पिछले का नहीं एक्शन बैठा है, उससे पूछना भाई क्या एस्टीमेट बना है, वो कहेगा हाँ बना है। उस एस्टीमेट को चेंज कराना चाहते हैं, उस लाइन एस्टीमेट पे ही सारी कंपनी ने आके सर्वे किया, ड्रोन से करोड़ों रुपए खर्च कराया। भैया नेताजी की जमीन आ गई तो एस्टीमेट को रोक दिया, आम आदमी किसान की जमीन होती तो रोकना नहीं था। आज अजी क्या डिमांड है आपकी? हम 15 दिन का टाइम देने आ रहे हैं और यहाँ अधिकारी जो हमारे बैठे हुए हैं, एक लोकतंत्र की जीत हो, आम किसानों की जीत हो और ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी चालू हो, तो इस वजह से हम यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। इनका ये कहना है किसी खास व्यक्ति को लेकर एक प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ने नहीं दिया जा रहा। जो सिरे जो करनाल की चीनी मिल है उसका विस्तारीकरण किया गया था, जिसके बाद आसपास के गांवों को बिजली पैदा, आसपास के गांवों को बिजली मिलने की पूरी आशंका, पूरे चांसेस थे, लेकिन कई किसानों के खेतों में खंभे गाड़ दिए गए। लेकिन आगे एक जगह पर जहाँ पर 70-80 किलो का एक बड़ा सा किले का बड़ा सा फार्म है, उस जगह पर आकर उन्होंने उस खंभे लगाने की कार्रवाई को रोक दिया, जिससे कि उस प्रोजेक्ट को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। वो प्रोजेक्ट फिलहाल बंद है, नहीं तो अगर वो प्रोजेक्ट अब तक तो शुरू हो चुका होता और आसपास के गांवों को बिजली मिलनी शुरू हो जाती। लेकिन जिस तरह से इनका ये कहना है कि इस न्याय के मंदिर में है, यहाँ पर हर तरह के लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन जिस तरह से कर्मचारियों, अधिकारियों और जो एक राजनीतिक व्यक्ति है, जो खास आदमी है, उसकी मिली भगत के कारण उस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ने नहीं दिया जा रहा, जिससे सरकार का करोड़ों रुपया व्यर्थ जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, मैं कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। भाव जी, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं, सरकार ने एस्टीमेट बना रखा पहले, उसको बदस्तूर जारी रखो और 3-4 किसानों के खेतों में खंभे गड़ लिए, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक आदमी नेता है, पूंजीपति है, लैंडलॉर्ड है, वो उस एस्टीमेट की बजाय दूसरी साइड से करना चाहता है। आगे भी तैयार है, आगे जिसके हैं, इसका मतलब गरीबों के खेत में पोल आता है, मेरे खेत में पोल आता है, मना कोई ऐतराज नहीं करा, फिर एस्टीमेट क्यों बदला गया? जिम्मे भी किसान हूँ, मना कोई ऐतराज नहीं करा, एस्टीमेट क्यों बदल रहे? और प्लीज जिस आदमी के खेत में लग गए नया पोल,
उनको जल्दी से जल्दी आज के रेट पर उनको मुआवजा भी तुरंत मिलना चाहिए। इनकी मांग ये है कि जब एक आम किसान को या इस परेशानी में ये आम जो किसान है उसके खेत में अगर पोल गाड़ा जाता है तो उसको अगर उसको कोई परेशानी नहीं है तो उस खास व्यक्ति को क्या परेशानी है? उस खास व्यक्ति से प्रभावित होकर एस्टीमेट को चेंज कर दिया गया, ये बहुत बड़ा मामला है। एस्टीमेट को चेंज कर रहा है और इनकी मांग है कि पुराने एस्टीमेट के अनुसार ही काम किया जाए। और इनका ये भी कहना है कि जिन किसानों के खेतों में पोल गाड़े गए हैं उन्हें उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। मैं तरुण उदान सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।